हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बैरोमीटर HPA, यानी कि व्हाट इज बैरोमीटर HPA, जो बैरोमीटर HPA होता है वो क्या होता है। तो मैं आज HPA के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि बैरोमीटर पे तो बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं मैंने देखा, लेकिन मैं सोचा इसमें एक HPA है तो उसके ऊपर बना देता हूँ। तो आज मैं बैरोमीटर HPA पे बात करूँगा कि ये HPA होता क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर तो कर ही दीजिएगा। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ना भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ कर दिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैरोमीटर HPA के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा आपको बैरोमीटर के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं HPA पे बात करूँगा कि HPA क्या होता है। तो सबसे पहले बैरोमीटर की खोज किसने किया था, आप लोगों को तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा क्योंकि हाई स्कूल इंटर में इस समय पढ़ाया गया था। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका पहली बार इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज एवेंजेलिस्टा टोरिसेल्ली ने किया था। ये एक इटालियन वैज्ञानिक थे जो कि इन्होंने 1644 में इसका खोज किया था बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर दो टाइप के होते हैं, पहला है क्लासिक मरकरी बैरोमीटर और जो दूसरा है वो है एनरॉइड बैरोमीटर। ये दो टाइप के बैरोमीटर हुए। अब हम आपको बता देते हैं कि जो अपना बैरोमीटर है इसका यूज कब किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका यूज वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि वायुमंडलीय जो प्रेशर होते हैं उसको मापने के लिए ये बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोगों के मन में सवाल रहता है कि बैरोमीटर का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर का इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा ज़रूर कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस, है क्या बैरोमीटर का। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब मौसम के भविष्यवाणी की बात आती है, यानी फ्यूचर में के मौसम कैसा रहेगा, तो फिर बैरोमीटर महत्वपूर्ण होते हैं उस समय। तो आपको बैरोमीटर से ही पता चलेगा कि मौसम कैसा होने वाला है फ्यूचर में, तो यही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो अपना बैरोमीटर है ये वायुमंडल के दबाव को माप सकता है, ये जो अपना वायुमंडल के दबाव को माप सकता है इस पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग सभी लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे कि फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि जैसे हमारा जो बैरोमीटर प्रेशर है वो अगर अचानक अचानक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना रहती है, और धीरे धीरे ऊपर जब प्रेशर चढ़ता है बैरोमीटर का ऊपर जाता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। ये जैसा कि हम लोगों को हाई स्कूल या इंटर में पढ़ाया गया था फिजिक्स में। तो आप समझ ही गए होंगे कि बैरोमीटर का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बिना आप वायुमंडल दबाव को नहीं माप सकते। तो यही होता है ये बैरोमीटर का इम्पोर्टेंस। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप बैरोमीटर का इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं, HPA क्या है। तो मैं HPA पे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको HPA का पूरा नाम बता देता हूँ। HPA का पूरा नाम होता है हेक्टो पास्कल यूनिट HPA का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों, HPA क्या है, आप तो अभी पूरा नाम जान गए। अभी HPA बैरोमीटर का एक यूनिट होता है। HPA जो है वो बैरोमीटर का यूनिट होता है। तो अभी आप जान गए कि HPA क्या है, कि HPA बैरोमीटर का यूनिट है। अभी हम बात करते हैं हेक्टो पास्कल। अभी मैं आपको बताया ना HPA का पूरा नाम हेक्टो पास्कल यूनिट। ये हेक्टो पास्कल क्या है, अभी मैं हेक्टो पास्कल बता। देखिए, हेक्टो पास्कल जो है वो पास्कल का 100 मल्टीपल है, जो प्रेशर के लिए SI यूनिट है। यही होता है हेक्टो पास्कल। बात करेंगे 1 हेक्टो पास्कल इक्वल कितने पास्कल होते हैं। अभी तो मैं उससे पहले बताया, अगर समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 हेक्टो पास्कल इक्वल होता है 100 पास्कल। 1 हेक्टो पास्कल इक्वल होता है 100 पास्कल।
तो दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ, लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल बैरोमेट्रिक प्रेशर इन एचपीए। तो हम इस पे बात करते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर इन एचपीए, इस पे हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रेशर होता है आमतौर पर लगभग 1000 एचपीए होता है, यानी कि आमतौर पर नॉर्मल से 1000 एचपीए इसका प्रेशर होता है। या अगर हम समुद्र तल की बात करें तो यह शायद ही कभी 950 एचपीए से कम और 1050 एचपीए से ज़्यादा गया होगा। ये इतना तो इससे कम या ज़्यादा नहीं जाता है, शायद ही अगर कभी गया होगा, बट इससे ज़्यादा या कम ज़्यादातर नहीं होता है, इसके अंदर ही रहता है। 950 एचपीए से ज़्यादा और 1050 एचपीए से कम के बीच में ही रहता है, इससे कम या ज़्यादा में, जैसे 950 से कम और 1050 से ज़्यादा नहीं जाता है। ज़्यादातर बैरोमीटर का प्रेशर वो 1000 एचपीए ही रहता है, आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा 1000 एचपीए या 1004, 1005, 1010 ऐसे इतना ही तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बैरोमीटर एचपीए के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर मिल गई होगी। अगर कुछ छूट गया होगा या कुछ रॉन्ग होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।